हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। आज अपने इस वीडियो में हम कला के तत्व पार्ट टू को लेके आए हैं, जहां पर हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी फ्रेंड्स जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों के सही क्रम का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले हम रंगों के क्रम में श्यान, फिर मेजेंटा, फिर येलो, फिर ब्लैक कलर को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक रेखाएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, अच्छा रेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, एक रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए सभी चीज़ें आवश्यक हैं। अनावश्यक तत्वों से बचना भी आवश्यक है, उचित बनावट का उपयोग करना भी आवश्यक है, और रंगों और स्वरों की भिन्नता भी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है। वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव पोत कहलाता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोत, जिसे कि वयन या टेक्सचर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भूरा रंग जो है ये इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रकारी की तकनीकी जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। राइट आंसर ए, फ्रेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय सॉरी राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय लाल। रेड ऑक्साइड जो है ये भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्षेत्र। अंतराल जो होता है वो कार्य क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। रंग क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, रंग जो होता है ये प्रकाश का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्केच में क्या विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्केच में जो होता है रैखिक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा हमें बहुरंग छापा प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, विस्कोसिटी प्रक्रिया। विस्कोसिटी प्रक्रिया के द्वारा बहुरंग छाप प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किस में किया जाता है। तो फ्रेस्को विधि का प्रयोग भित्ति चित्रण में किया जाता है, और भित्ति चित्रण में दो विधियाँ होती हैं, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बूनो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है इसमें देख लेते हैं, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, भित्ति चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं। रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया। राइट आंसर ऑप्शन सी, रस की जो परिभाषा दी है वो भरत मुनि ने दी है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी, भूरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया है। तो यूनान के। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावण्य योजना किसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी,
लावण योजना जो होती है ये बाह्य सौंदर्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? तीव्र प्रकाश को टिंट कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, टिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टवर्ण आदर्श वृत्त में रंगतें होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, 24 रंगों में। अष्टवर्ण का जो आदर्श वृत्त है उसमें 24 रंग होते हैं, और अष्टवर्ण आदर्श वृत्त को सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवर्ड ने 8 आदर्श रंगतों का भी एक चक्र कल्पित किया था, जिसमें शुद्धतम और चमकदार 4 प्रधान वर्ण तथा 4 अप्रधान वर्ण थे। इस तरह से अष्टवर्ण आदर्श वृत्त में 24 पूर्ण रंगतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो परिप्रेक्ष्य जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 2, रैखिक परिप्रेक्ष्य और हवाई परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, तो कलाकार जो होता है ये चित्र में रेखाओं के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, रंगों के द्वारा सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, और रूप के द्वारा भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, पोत से हम स्पर्श ज्ञान का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, और आज ये आपने 25 क्वेश्चन और देखे। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करें जो भी आर्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और अगर किसी टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी। वैसे तो चैनल पे सभी टॉपिक पे वीडियो पड़े हुए हैं, बट अगर कोई टॉपिक आपके पास नहीं है, आपको चाहिए, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।